छोटी लग जाती है, वो झाड़ी है, वो बड़ा होता है प्लांट। चलो ठीक है, वो बड़े लगा लेते हैं वो काटे हैं, उसमें फिश में नहीं लगा। छोड़ के बाय बाय कर दो, नानी भी यहीं पे रहने वाले, नानी यहाँ से दौड़ के निकलेगी सीधा, बाय बोल दो नानी, बाय बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। और गाइस अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में, क्योंकि आप देख सकते हो कल आए थे हम घोड़ा डूंगरी, तो अभी घोड़ा डूंगरी एक पार्क है, बहुत ही प्यारा पार्क दिख सकता है आपको, देखो चारों ओर से दिखा रहा हूँ। और मानव भी हमारे साथ आया हुआ है, मानव वहाँ बैठा है मेडिटेशन कर रहा है। तो अभी अपना जो रूटीन है, चैलेंज रूटीन, वो अपन आज यहाँ पार्क में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है, बारिश भी नहीं हो रही लेकिन बदली है ज़बरदस्त तरीके से। और चैलेंज सबसे पहले हम करने वाले हैं चार टास्क, जैसे आपको सबको पता ही है। सबसे पहले अपन करने वाले हैं मेडिटेशन, उसके बाद अपन करने वाले हैं जनरलिंग, फिर अपन करने वाले स्ट्रेचिंग और फिर बुक रीडिंग। तो चार चीज़ हो जाएगी, उसके बाद अपना टास्क हो जाएगा कंप्लीट। आज डे 16 है, तो गाइस अपन को 30 डेज चैलेंज जो है वो उसमें से आधे दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, बट अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी है। तो बने रहो वीडियो में, अब चालू करते हैं अपन चैलेंज। तो दोस्तों चैप्टर 6 पेज नंबर 89-93, तो यहाँ ऑथर ने तीन मेथड बताए यहाँ पे, तो आपको सबसे पहले एक एक करके मैं आपको बताता हूँ सारी मेथड। सबसे पहली मेथड है, सबसे पहले आपको बता दूँ जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक है, इसमें चैप्टर 6 है द टेक्निक्स ऑफ मेंटल हीलिंग। तो उसमें तीन टेक्निक अभी ऑथर ने बताई। सबसे पहले बताई विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि सिंपली आप जो है अपने स्टेट ऑफ ड्रॉइंग डॉनिस स्टेट में जाते हो, जहाँ आपका स्लीपी माइंड होता है,
और थ्रू मेडिटेशन या फिर थ्रू और कोई तरीके से जा सकते हो। एंड देन आप जब वहाँ उसमें स्टेट में जाते हो, अपने आप को विजुलाइज करते हो जो आपको चीज़ें करनी है या फिर आपको जो चीज़ें हील करनी है अपने अंदर। सो आप जब उसको विजुलाइजेशन करते हो, उसको हीलिंग मेडिटेशन का भी नाम दिया गया है मेडिटेशन और आयुर्वेदा में। तो इसमें गाइस आपको क्या विजुलाइज करना पड़ता है कि आप जो है सब सही हो रहा है, सेहत आपकी अच्छी हो रही है, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रियल लाइफ में नहीं देख पाते वो भी विजुलाइज कर सकते हो। तो विजुलाइज टेक्निक में होता क्या है, सिंपली आप जो विजुलाइज करते हो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अपने अंदर ले लेता है, फिर आपको उस तरीके से ही हील करता है वो, जैसा आप अपने आपको विजुलाइज करते हो। तो यहाँ पर विजुलाइजेशन टेक्निक इसी मेथड में काम आती है कि आप जो है ड्रॉइंग स्टेज में चले जाओ और आप वहाँ जाके विजुलाइज करो कि आप क्या चाहते हो और आपकी हेल्थ कैसी होनी चाहिए। सेकेंड जो उनने चीज़ बताई है वो बताई है माइंड मूवी टेक्निक। इसमें गाइस क्या होता है कि आप एक तरीके से विजुलाइजेशन ही करते हो, बट इन शॉर्ट आप पूरी मूवी बना के करते हो, मतलब आप स्टार्टिंग से आप क्या सोच रहे हो उससे लेके एंडिंग तक कैसी एंडिंग होनी चाहिए, आप एक पूरी स्टोरी लाइन में अपने आप को कन्वर्ट करके देते हो आप सबकॉन्शियस माइंड पे, ताकि उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और स्टेप बाय स्टेप स्टोरी जो है वो बनाता है सबकॉन्शियस माइंड, एक तरीके से मूवी सा बन जाता है। तो वो जो है डायरेक्ट आपको ले सकता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट लेता है, कॉन्शियस माइंड से आप मूवी बनाते हो एंड देन वो प्रोसेस करता है, एक तरह से वही ब्लूप्रिंट बनाता है जो मैं आपको कल बताया था। थर्ड टेक्निक जो है गाइस वो बोडन टेक्निक है। चार्लिस बोडन करके एक अपने इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटी है फ्रांस के, सो उनने अपने नाम पर टेक्निक रखी है। इसमें सिंपली गाइस क्या होता है, इसमें सिंपली वो एक तरीके से जो अपने पेशेंट्स होते हैं उसको हील करने के लिए अपने उनके सबकॉन्शियस माइंड को ड्रॉइंग स्टेट में जाके ट्रीट करते हैं, मतलब कि कैसे, जैसे कि आप ध्यान लगाते हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जिससे आप जो है रिलैक्स हो जाते हो। आप कहते हैं रिलैक्स होना है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड वो एक्टिव हो जाए और कॉन्शियस माइंड जो है वो इनएक्टिव हो जाए, मतलब इनएक्टिव ना हो लेकिन एक तरीके से कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाए और कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो जाए। सो उसमें जब स्टेट ऐसी स्टेट आ जाती है तो वो क्या करते थे बोर्डन कि वो जाते थे अपने पेशेंट से बहुत बोलते थे कि आप इस तरीके से हील हो सकते हैं। और वो एक पर्सन जी जो टेक्निक है इसमें क्या होता है कि आप सबको एक चीज़ नहीं बोल सकते, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अलग अलग हीलिंग प्रोसेस होती है, सबकी अलग अलग डिफ़िकल्टीज होती है। तो उसको उनके हिसाब पेशेंट के हिसाब से डिफ़िकल्टीज़ को वो काउंटर अफर्मेशन लेके आते हैं एंड देन अफर्मेशन ला के एक सेंटेंस बना के फिर उसको रिपीट करते हैं। जब वो ऐसे स्टेट में होते हैं उनको रिपीट करने के बाद वो बोलते हैं कि आपको ये बार 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 बोलना है जब तक आप ठीक ना जाओ। तो इसको वो ने बोर्डन टेक्निक का नाम दिया है, अपने नाम पे अपनी टेक्निक बताई है। तो यहाँ पे अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि तीन टेक्निक अभी बता दी है, चैप्टर सिक्स जो है टेक्निक से ही भरा है और अभी चैप्टर सिक्स ख़त्म नहीं हुआ है। तो कल की वीडियो में आपको इसके आगे की जो टेक्निक्स वो मिलने वाली है, तो आप ये टेक्निक स्टार्ट करो, इसको प्रोसेस करके देखो, अगर आपको मज़ा आती है तो मुझे कमेंट में बताना और चलते हैं नेक्स्ट टास्क पे। आज के लिए अभी ये टास्क यहीं ख़त्म होता है। तो क्या जनरल में आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप मैंने जो इस भी बुक पढ़ी है वो इसको नोट कर सकते हो, या तो अपने हिसाब से जो सेक्शन बनाया आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग ये जो रहा ये देख सकते हो, ये आइडियाज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग और लर्निंग जो एक्सपीरियंस आपने लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो अपने फ़ोन, जैसे मैं अपने फ़ोन में नोट कर देता हूँ बाद में इसमें नोट करता हूँ, तो आप ऐसे ही बना सकते हो, उसे नोट कर सकते हो। आज के लिए मैं आपको ये होमवर्क देता हूँ, कल मैंने आपको दिया था अलग होमवर्क, आज आपको नोट करना है कि आप नेचर से क्या सीखते हो, जो अपने आसपास एनवायरनमेंट होता है नेचुरल चीज़ें हैं उससे आपको एक चीज़ कुछ पॉइंट आउट करनी है। और हर एक चीज़ के जैसे ट्रीज़ वगैरह होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे ट्रीज़ वगैरह है, यहाँ पे देखो ये, ठीक है, तो इनसे आप क्या सीखते हो, ठीक है, बादल हो गए, आपको अपने पांच ऐसे नोट कर लेने हैं पॉइंट आप किससे क्या क्या सीखते हो और नोट करके इसमें लिख लेना है। तो दोस्तों के साथ आज का चैलेंज यहाँ होता है कम्प्लीट, बट आज थोड़े से लेट हो गए थे हम, इसलिए अभी ना थोड़े से गर्मी लगने लग गई है, और ज़्यादा ही लेट नहीं हुए थे, बस एक घंटा लेट हुआ था, बट फिर भी भाई मतलब फिर यहाँ आए तो यहाँ पे आने में आधे घंटे लग गए, पार्क थोड़ा इधर है, तो बाकी पार्क बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर देखो ये वाली ये जो टाइल्स है गाइस इसमें एक्यूप्रेशर बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइल्स है, मतलब पार्क बहुत ही सही लगा, शानदार सा है यार, एकदम एक नंबर है। और आज का चैलेंज अब कम्प्लीट हो गया, चैलेंज कम्प्लीट हो गया है, और चैलेंज पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है, वीडियो को टारगेट रखेंगे लाइक का, आप पहले लाइक कर दो, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज जो है अभी अपन आए गोरडोंगरी, तो मानव छत गोरडोंगरी घूमने वाले हैं, शायद इधर उधर भी जाने वाले हैं, तो बने रहो वीडियो में, मज़ा आने वाली है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
ब्रांच से काटा ना। हाँ ब्रांच से काटा, जहाँ से काटनी थी ब्रांच। टेढ़ा काटे की कैसे काटे हो? ब्रांच काटी, ब्रांच ऐसे काटना है टेढ़ा। हाँ टेढ़ी काटे। तो आज पेड़ काट के ले जा रहे हैं अभी हम लोग घर। यहाँ पे देखो आपको एक चीज प्लांट, ये छुई मुई वाला नहीं काट रहे, ये देखो छुई मुई प्लांट। मम्मी अच्छा लगता है? नहीं यार वो हाँ ना कचरा करेगा गार्डन में। नहीं इसको ऐसे गमले में लगाएंगे ना कहीं। ले चलो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, छोटे वाले गमले में लगा देंगे। और ये व्हाइट वाला चांदनी है, बहुत बड़ी झाड़ियाँ होती है, झाड़ियाँ नहीं लगानी है ये। नहीं तो इसको अपन उसमें तो कह रहा हूँ मैं, गार्डन में तो ना कह रहा हूँ, गमले में कह रहा हूँ, अलग से छोटे छोटे लगेंगे। नहीं, नहीं। पहली बात तो वो झाड़ी है, वो गमले में नहीं लगती पहली बात। नहीं ऐसा कुछ नहीं, छोटी लग जाती है। वो झाड़ी है, वो बड़ा होता है प्लांट। चलो ठीक है वो भले ही लगा लेते, वो काटे हैं उसमें फिश में नहीं लगा सकते, एक्वेरियम में नहीं रख सकते। इसमें काटे हैं देखो, इसके काटे हैं ना ये देखो, इसमें ब्रांच में काटे हैं। और जैसे कभी वापस लाना हो तो ले सकते हैं, क्या करना है। दोस्तों अभी हो चुके गुड इवनिंग सबको, और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर वापस, क्योंकि यहाँ पे अभी जा रहे हैं नानी को छोड़ के। बाय बाय कर दो, नानी भी यहीं पे रहने वाले, नानी यहाँ से दूर निकलेगी सीधा। बाय बोल दो नानी, बाय बाय। तो नानी यहाँ से दूर निकलेगी, तो अभी मम्मी मैं और दीक्षा वापस घर निकल रहे हैं। तो चलो फटाफट गाड़ी में बैठो और सबको टाटा बाय बाय बोल दो।
फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे। आप देख सकते हो मैंने पीछे गाड़ी पार्क कर दी और ये रहा घर। और थोड़ा सा लेट भी होगा, शाम होते होते धीरे धीरे आराम से है, बट अभी माइक काम नहीं कर रहा, इससे वॉल्यूम एकदम कम हो गई होगी, तो मैं थोड़ा चिल्ला के जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइक की बैटरी हो गई ऑफ और ये मैंने लगाया इसको पावर चार्जिंग पे, तो इसको अभी जाके मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ और फटाफट घर के अंदर चलते हैं पूरा सामान निकाल के। ठीक है चलो।